वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य, नारायणं नारायणं नमस्कृत्य, नमस्कृत्य, नरं चैव नरोत्तमं, नरं चैव नरं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वत्यासं, ततो जयमुदीरये, नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, नित्यं भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी साष्टांग दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे अशोक कृष्ण प्रभु प्रभु आप जी। हरे कृष्ण पहुंच प्रभु भी जी। गए। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कल लेट पहुंचे होंगे। मैं रात पहुंचा था 12 बजे करीब। मेरी फ्लाइट फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी। साढ़े हाँ 12 पहुंचा था मैं। हाँ श्री ब्रह्मोवाच। श्री आज आज ब्रह्मोवाच। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। अजात जन्म स्थिति संयमाया है। माया तक पढ़ेंगे तो औ रहेगा, औ को नीचे ले लेंगे। अजात जन्म स्थिति संयमाय, अगुणाय निर्वाण सुखाणवाय, अणो हो अण में परि अपरि गम अपरिगन अपरिगण्य धाम ने महाअनुपाय नमो नमस्ते। अब ये जगह मुझे बदलनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मंदिर की आवाज बहुत ज्यादा आ रही। मेरे साथ पढ़िए। श्री ब्रह्मोवाच। श्री श्री ब्रह्मोवाच। ब्रह्मोवाच। अजात जन्म स्थिति संयमाय, अजात अजात जन्म जन्म स्थित स्थिति संयमाय, अगुणाय संयमाया, गुणाय निर्वाण सुखाणवाय, निर्वाण निर्वाण सुखाणवाय, अणोः अणिन्मे अपरिगण्य धाम ने महाअनुपाय अनुर या निमित्ते अपरिगण्य नमो धाम्ने नमस्ते। महानुभावाय नमो महानुभावाय नमो नमस्ते। शब्दार्थ नमस्ते। श्री ब्रह्मा वाचा ब्रह्मा ने कहा, अजात जन्म स्थिति संयमाय, भगवान को जो कभी उत्पन्न नहीं होता किंतु जिनका विविध अवतारों में प्राकट्य कभी बंद नहीं होता। अगुणाय प्रकृति के 3 गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होने वाले। निर्वाण सुख अर्णवाय, भौतिक सृष्टि से परे शाश्वत आनंद के सागर को अणोह अणिमने, अणु से भी छोटा, अपने को कितना भी छोटा बना सकते हैं। अपरिगण्य धामने, जिनके शारीरिक स्वरूप की अनुभूति भौतिक चिंतन से नहीं की जा सकती। महाअनुभावाय, जिनका अस्तित्व अचिंत है। नमः नमस्कार, नमः फिर से नमस्कार ते तुमको। ब्रह्मा जी नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने ये असुरों से युद्ध होना हो रहा है, उसमें कुछ परेशानी आई हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा कहा, जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, यद्यपि आप यद्यपि आप अजन्मा हैं, अजन्मा हैं, किंतु अवतार किंतु अवतार के रूप में, के रूप में आपका आपका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान प्राकट्य तथा सदैव अंतर्ध्यान चलता रहता है।
सदैव चलता सदैव रहता है, चलता चलता रहता है। रहता है, आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं, आप सदैव आप भौतिक सदैव गुणों से युक्त भौतिक तो गुणों रहते हैं, से मुक्त रहती हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं, और सागर और के समान सागर से दिव्य आनंद समान के दिव्य आश्रय, आनंद दिव्य का आनंद आश्रय के है। हाँ, आश्रय हैं। जो इनके साथ जुड़ा है वह भी दिव्य आनंद से हमेशा दिव्य आनंद में रहेगा। वह दिव्य अपने दिव्य स्वरूप में अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए नित्य रहते हुए आप आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अत्यंत आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सूक्ष्म है, से भी सूक्ष्म है। अतएव हम आपको, अतएव अतएव हम हम आपको आपको जिनका अस्तित्व अचिंत है, जिनका अस्तित्व जिनका अचिंत्य है, अस्तित्व अस्तित्व अचिंत्य अचिंत्य है, है, हाँ, जो सोच से बाहर है, अनइमेजिनेबल है, सादर नमस्कार करते हैं, सादर सादर नमस्कार नमस्कार करते हैं, करते हैं। तात्पर्य करते हैं। हरे माता जी, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य भगवद गीता 4.6 में भगवान कहते हैं, अजो अपि संन्यव्यत् आत्मन आत्मा भूतानि अभीश्वरो अपि सना प्रकृति स्वामिरधिष्ठाय संभवाम अव्ययात्मकमयया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता, यद्यपि मैं सारे सचेतन जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवद गीता के निम्नलिखित श्लोक 4.7 में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत युक्तानां अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्। जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म का प्राधान्य हो जाता है, तब तब हे भारत, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इस तरह यद्यपि भगवान अजन्मा है, किंतु कृष्ण तथा राम जैसे अवतारों के विविध रूपों में प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि उनके अवतार नित्य हैं। अतएव इन अवतारों द्वारा संपन्न किए गए कार्यकलाप भी नित्य होते हैं। भगवान का प्राकट्य इसीलिए नहीं होता कि सामान्य जीवों की तरह उन्हें कर्म के द्वारा बाध्य होकर विशेष शरीर धारण करना होता है। यह समझना होगा कि भगवान का शरीर तथा उनके कार्यकलाप दिव्य हैं, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के कल्मष से मुक्त होते हैं। ये लीलाएं भगवान के लिए दिव्य आनंद है। अपरिगण्य धामने शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान द्वारा विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है। ये सारे अवतार सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये तीनों गुणों से परे है भगवान, हमेशा दिव्य स्थिति में है, इसलिए भगवान को हमारी तरह अलग अलग शरीर नहीं लेने होते हमारे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है और बहुत सी इच्छाएं हैं, उसी के हिसाब से हम शरीर बदलते रहते हैं। तो भगवान का ये चीज नहीं है, ये समझ में आने लगा है अब कि भगवान को शरीर बदलने की जरूरत इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो दिव्य है। इसी तरह से जो जो भी व्यक्ति दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है, गुणातीत होकर के प्रकृति के तीन गुणों को लाग करके शुद्ध सत्व में, फिर स्वरूप सिद्धि, भगवान से साक्षात्कार, ये जब हो जाता है तो वह भी दिव्य होता है। हालांकि उसका अभी ये जो शरीर है भौतिक है, ये भौतिक जगत में ऐसे महापुरुष हैं, बहुत नहीं है, बहुत कम है जो क्या है, भगवान के शुद्ध भक्त वो हैं। और ये शरीर उनका जब बदलेगा नहीं, अब ये छूट जाएगा और हमारा शरीर बदलेगा, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा वैसा ही शरीर मिलेगा। और इससे अगर छुट्टी पानी है तो हमको गुणातीत होना बहुत जरूरी है, प्रकृति के तीन गुणों से को लागना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको तमोगुण से एकदम त्याग बिल्कुल नहीं चाहिए, रजोगुण में कभी
कभी कभी क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और कभी कभी आप रजोगुण में आपको आप आ जाते हैं। रजोगुण में हम होते हैं, तमोगुण में हमको कभी नहीं जाना चाहिए, इतना तो करिए कम से कम। और फिर सतोगुण, अब सुबह उठ के नहाया, भगवान के मंदिर में गए, भगवान को का अभिषेक किया, भगवान को फूल अर्पित किए, आरती की, सतोगुण में आप हैं, कोई डाउट नहीं। सिर्फ मन यही होना चाहिए, मन ये नहीं कि आरती कर रहे हैं मन कहीं और। सतोगुण आरती करके फिर भगवान को भोग लगाया, सतोगुण। तो भगवान को भोग लगा है, घर में कम से कम 10 मिनट भोग के लिए रखना चाहिए, मंदिर में 15-20 मिनट होता है, घर में कम से कम 10 मिनट होना चाहिए। आप बाहर बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 राम, शांत मन से। कैसे शांत मन, तृणातपि सुनि चेना, तरोरपि सहसा, अमानि ना मान देना, कीर्तन्य सदा। मुझे कोई मान नहीं चाहिए, दूसरों का मान करने में भूल ना करो, ये वाली प्रवृत्ति। शांत तप जपिए, आप 10 मिनट में कम से कम, आप यंग हैं तो एक माला से ज्यादा जप लेंगे, क्योंकि 7-8 मिनट में एक माला हो जाती है। मैं ये लगाता हूँ, कैलकुलेशन मेरा, इवनिंग क्लास में स्वाति माता जी बहुत ही शुद्ध बोलती हैं, वो माता जी 6 मिनट में माला करती हैं, क्योंकि हम शाम को क्लास के बाद एक माला जपते हैं शाम को। मैं उनको कभी गलत नहीं मान सकता, वो बहुत शुद्ध हैं, वो 6 मिनट में करती हैं। कुछ लोग 4 मिनट में कर देते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, बट 6 मिनट में अगर आप तेज भी जपें शुद्ध करते हुए, तो 6 मिनट में बहुत तेज और शुद्ध जो बोलते हैं वो 6 मिनट में कर सकते हैं। मेरा स्टैंडर्ड स्वाति माता जी का है, और मैं मेरी माला उनके साथ जब मैं जपता हूँ 8 मिनट हो जाते हैं, और जब मैं अकेले में जपता हूँ मुझे 10 मिनट लगते हैं। तो आपको अगर स्लो भी करते हैं तो आप भगवान का भोग लगा है, एक माला आपकी हो गई, देखिए, और फिर आप भगवान का भोग धर करके अब भोग ले, जो भी आप करते हैं सतोगुण में है। मेरी बात सतोगुण की हो रही थी, सब सतोगुण में है। फिर आप ऑफिस जाते हैं या किसी ऐसे लोगों से आप वार्तालाप करते हैं जो उग्र हैं, जो तमोगुण में है, तो उस समय उनसे डील करने के लिए सतोगुण में ही रहना जरूर अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनको डील करते करते आप भी रजोगुण में चले जाते हैं, कोई डिस्कशन, कोई हीटेड डिस्कशन हो रहा हो, उस पर आप अपने आपा खो जाते हैं, और तो आप रजोगुण में आ जाते हैं, फिर आपकी डीलिंग होती है, और फिर रजोगुण में आप हो सकते हैं। लेकिन फिर जैसे आपको याद आया कि अब मेरे पास टाइम है, अभी 15 मिनट का टाइम है, वेस्ट मत करिए, दो माला जप लीजिए 15 मिनट में। एक ऐसी जगह बैठिए जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, या आंखें बंद करके आप जपते रहिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसे आप मालाएं पूरी कर सकते हैं। आप रूपम तव एतद् पुरुष ऋषभ श्रेयो अर्थिभिः वैदिक तांत्रिकेण योगेन धातः सह नः त्रिलोकान् पश्यामि अमुस्मिन् उह विश्वमूर्तौ। मेरे साथ रूपं तव एतत् पुरुष ऋषभैज्यम्, रूपं रूपं तवैत पुरुष तवैत ऋषभैज्यम्, पुरुषऋषभैज्यम्, श्रेयो अर्थिभिः वैदिक तांत्रिकेण श्रेयो श्रेयो अर्थिभिः वैदिक वैदिक तांत्रिकेण तांत्रिकेण
योगेन धातः सह नः त्रिलोकान्। योगेन योगेन धाता धाता सह नः नः त्रिलोकान्। त्रिलोकान्। पश्यामि अमुष्मिन् उह विश्वमूर्तौ। पश्यामि पश्यामि रूपम अमुष्मिन् रूप तव तुम्हारा एतत् यह पुरुष ऋषभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ इज्यम पूज्य श्रेय चरण कल्याण चरम कल्याण अर्थी भी ही कामना करने वाले व्यक्तियों द्वारा वैदिक वैदिक आदेशों के अनुसार तांत्रिकेण नारद पंचरात्र जैसे तंत्रों के अनुयायियों द्वारा अनुभव किया गया योगेन योगाभ्यास द्वारा प्रातः हे परम नियंता सह सात नह हम देवताओं को त्रिलोकान तीन लोकों को नियंत्रित करने वाले पश्यामि प्रत्यक्ष देखता हूँ अमुस्मिन आप में ओ पूर्णतया प्रकट विश्वमूर्तो विश्वरूप आप में। मेरे साथ पढ़े हे पुरुष श्रेष्ठ हे हे पुरुषेश, परम नियंता हे परम नियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं जो लोग जो सचमुच लोग परम सचमुच सौभाग्य की परम कामना करते सौभाग्य हैं की कामना करते हैं वे वैदिक तंत्रों के अनुसार वे वे वैदिक वैदिक तंत्रों के तंत्रों के अनुसार अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं आपके इसी आपके रूप की इसी पूजा रूप की करते पूजा पूजा करते करते हैं हैं। हे प्रभु हे प्रभु हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं हम आप में तीनों लोगों को देख सकते हैं। तात्पर्य तात्पर्य माता प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्णा मेरी आवाज आई प्रभु जी। हाँ हाँ आ रही बोलिए हम हरे कृष्णा पता राधा रति माता जी जी। हाँ जी बोलिए। हाँ पढ़िए ना माता जी। जी ओ मेरे हाँ पढ़ने को गई सॉरी। ठीक है पढ़ती हाँ हूँ। हरे कृष्णा शिव प्रपात की जय। शिव प्रपात द्वारा तात्पर्य वैदिक मंत्रों का कथन है यस्मिन विज्ञाते सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जब भक्त अपने ध्यान में भगवान का दर्शन करता है या जब वो उनका साक्षात दर्शन करता है तब वो इस ब्रह्मांड के भीतर के प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। निसंदेह उसके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु उस भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है जिसने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अतः भगवद गीता में का 3.4.34 उपदेश है तद्विधि प्राणिपातेन परिस्पृश्येन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्व दर्शनम। गुरु के पास जाकर सत्य जानने का प्रयत्न करो। उनसे विनीत होकर प्रश्न पूछो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य के दर्शन किए हैं। ब्रह्मा जी ऐसे ही स्वरूप सिद्ध महात्मा है। स्वयं भू नार नारदा शंभु कुमारा कपिलो मनु। अतः मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा से चली आने वाली शिष्य परंपरा को स्वीकार करे तभी वो भगवान को पूरी तरह समझ सकेगा। यहाँ पर विश्वमूर्तो शब्द संकेत करता है कि भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है वो प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको देख सकता है। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। मैं समझ नहीं पा हरे रही कृष्णा हूँ। हरे कृष्णा। माता जी हरे पहुंच सकुशल पहुंच गए ना वापस। जी सकुशल पहुंच गए। हम परसों रात को पहुंच गए तो थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन सकुशल पहुंच गए। त्वयि अग्र आसी त्वयि मध्य आसी त्वयि अंत आसी त्वयि आदिम त्वयि अंत आसी इदम् आत्मतंत्रे त्वम् आदि अन्तो जगतो अस्य मध्यम घटस्य मृत्स्वेन मृत्युस्नेव परः परस्मात्। मेरे साथ त्वयि अग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत्
वयक्रयाशीत्वयि त्वयि अन्त आसीत् इदम् आत्मतन्त्रे आत्मतन्त्रे त्वम् त्वम् आदि अन्तो जगतो अस्य मध्यम् आदिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम् घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मान् घटस्य घटस्य मृत्स्नेव परः परः परस्मात्। परस्मान् शब्दार्थ है त्वयि तुम भगवान में अग्रे प्रारंभ में आसीत था, त्वयि तुम में मध्य मध्य में आसीत था, त्वयि तुम में अंते अंत में आसीत था। इदम यह सारा दृश्य जगत आत्मतंत्रे पूर्णतया आपके नियंत्रण में, त्वम तुम आदि आदि अंत अंत जगत दृश्य जगत के अस्य इस मध्यम मध्य घटस्य मिट्टी के पात्र का मृत्स्ना इव मृत्स्नेव मिट्टी के समान परः दिव्य परस्मात् प्रमुख होने के कारण। मेरे साथ पढ़ें, सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, सदैव सदैव पूर्ण पूर्ण स्वतंत्र स्वतंत्र रहने रहने वाले वाले मेरे मेरे प्रभु, प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, ये यह सारा सारा दृश्य जगत जगत आपसे आपसे उत्पन्न उत्पन्न होता है, होता आप है, आप पर टिका रहता है, पर टिका रहता है और आप में तल्लीन हो जाता है। और आप और में आप तल्लीन में हो जाता है। तल्लीन हो तल्लीन जाता हो जाता है। है। बहुत बढ़िया, आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि, आप ही आप प्रत्येक ही वस्तु के प्रत्येक आदि वस्तु के, हाँ भगवान कहें प्रत्येक वस्तु के आदि मध्य तथा अंत हैं। मध्य तथा आदि अंत जिस है, तरह पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, जिस इस तरह तरह पृथ्वी पृथ्वी भी पात्र पात्र का कारण धातु है। का कारण है। बहुत अच्छा समझा है। वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है, वो उस उस पात्र पात्र को को आधार प्रदान आधार प्रदान करती करती है। है, और जब पात्र टूट जाता है, और जब और पात्र पात्र टूट टूट जाता जाता है, है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। तो तो उसे अपने में मिला अंततः उसे लेती अपने में मिला लेती है। अच्छा मिला लेती है। हाँ, तो इसका क्या था, पृथ्वी से पात्र बना, मिट्टी का कुमार बनाता है पात्र, शुरू अस्तित्व किस पर, पृथ्वी से, पृथ्वी का उसका शुरुआत, पृथ्वी उसका मध्य वो आकार बना, पर वो पात्र यूज हुआ मध्य, वो भी पृथ्वी पर टिका हुआ है। अब जब वो पात्र टूट जाता है तो फिर उसी में मिल जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों का है, जो भी हम इस भौतिक जगत में हैं, हम हैं, जीव हैं या अजीव हैं, सब जितने भी भौतिक जगत की बात करते हैं, इसमें सब कुछ आ गया। इसका आदि है, मध्य है, अंत है। भौतिक जगत का वो आदि अंत मध्य अंत क्या है, भगवान है, क्योंकि शुरू भगवान, अब टिके हैं भगवान, अंत होगा भगवान मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। त्वं माया आत्म आश्रया आश्रयया स्वयेदं स्वयाइदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवाये अपि गुणं विपश्चितः। मेरे साथ, त्वं माया आत्म आश्रयया स्वयेदम्, तुम आत्मा निर्माय निर्माय विश्वं तद् अनुप्रविष्टः, विश्वं पश्यन्ति तदनुप्रविष्टः युक्ता मनसा मनीषिणो, पश्यन्ति युक्ता युक्ता मनसा मनसा मनीषिणो मनीषिणो गुण व्यवाये अपि अगुणं विपश्चितः। गुणं गुण व्यवाये व्यवाये अगुणं प्यगुणं विपश्चितः विपश्चितः, शब्दार्थ है त्वम आप,
बाह्या अपनी नित्य शक्ति द्वारा आत्म आश्रयया जिसका अस्तित्व आपकी शरण के अधीन है, त्वया आपसे उद्भूत इदम यह निर्माय उत्पन्न करने के लिए विश्वम सारे ब्रह्मांड को तत् उसमें अनुप्रविष्ट आप्रवेश करते हैं, पश्यन्ति वे देखते हैं, युक्ता आपके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति, मनसा मन से, मनीषिणा उच्च चेतना वाले लोग, गुण भौतिक गुणों के देवाय पांतर में अपि यद्यपि अगुणम भौतिक तत्वों से अछूता विपश्चित शास्त्र के सत्य से भली भांति अभिज्ञ लोग। मेरे साथ पढ़िए, हे पर ब्रह्म, हे पर ब्रह्म, हे पर ब्रह्म, आप अपने में स्वतंत्र हैं, आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते, और दूसरों से सहायता नहीं देते, नहीं देते। आप अपनी शक्ति से, आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके, इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावना मृत में बढ़े चढ़े हैं, जो जो प्रमाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, जो प्रमाणिक शास्त्रों से भली भांति परिचित हैं, और जो भक्ति योग के अभ्यास से, और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाते हैं, सारे भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाते हैं, वे यह शुद्ध मन से देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी, आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं, इन गुणों से अछूते रहते हैं। कौन है ऐसा भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद को आप, और नहीं याद आते तो प्रभुपाद याद आते हैं, प्रभुपाद इनसे अछूते, बिल्कुल एक एक शब्द उनके लिए सही बैठता है। उनके जैसे और भी बहुत भक्त हैं जो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवद गीता 9.10 में भगवान कहते हैं, मध्याध्यक्षेण प्रकृत है सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्ते है जगद्वी परिवर्तते। हे पंतु पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। अपने नियमों के द्वारा यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनिष्ट होता है। भौतिक शक्ति समग्र दृश्य जगत का सृजन पालन और संहार उन भगवान के आदेशों से करती है जो इस ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, किंतु भौतिक गुणों से अछूते रहते हैं। भगवत गीता में भगवान माया अर्थात बहिरंगा शक्ति को, जो यह भौतिक जगत उत्पन्न करती है, मम माया कहते हैं, क्योंकि यह शक्ति भगवान के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करती है। इन तथ्यों की अनुभूति उन्हीं व्यक्तियों को हो सकती है जो वैदिक ज्ञान में पटु हैं और कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं। हरे कृष्णा। यथा अग्निम एधसि अमृतम च घोषु,
हुवि अन्नम अम्भूद्यमने च वृत्तिम योगे मनुष्या अधियन्ति हित्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। मेरे साथ यथा अग्निम एधस्य अमृतम च गोषु भुवि अन्नम अम्भूद्यमने च वृत्तिम योगे मनुष्या अधियन्ति हित्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति यथा जिस तरह अग्निम अग्नि एदसे काष्ट में अमृतम अमृत तुल्य दुग्ध च तथा गोशु गायों में भूमि भूमि पर अन्नम अनाज अम्बु जल उद्यमने उद्यम में च भी प्रत्यम जीविका योग भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य लोग अधियंती प्राप्त करते हैं हे निसंदेह त्वाम तुमको गुणेशु गुणों में बुद्ध्या जिसे कवय महापुरुष बदंति कहते हैं। मेरे साथ पढ़े जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि गाय के धन से दूध गाय के धन से दूध भूमि से अन्न अन्य तथा जल तथा जल और औद्योगिक औद्योगिक उद्यम से और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है हाँ ये बुद्धि है ये वाली बुद्धि ये देहात्म बुद्धि कभी नहीं आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है जो पुण्यात्मा है जो पुण्यात्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं वे इसकी पुष्टि करते हैं जो पुण्यात्मा लोग भी ऐसा कहते हैं ये मतलब तात्पर्य माता जी। अशोक प्रभु जी आपका थोड़ा नेटवर्क खराब है तो बहुत लेट करके आवाज आ रही। हरे कृष्ण कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रपात द्वारा शिला प्रपात की जय। यद्यपि भगवान निर्गुण है और इस भौतिक जगत के भीतर नहीं पाए जाते तथापि सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है माया तद तत्मिदम सर्वम। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त कुछ नहीं है और सारा जगत उन्हीं पर टिका है। मतस्थानी सर्वभूतानी। फिर भी भगवान को यहाँ पर नहीं पाया जा सकता न चाहम तेष अवस्थित किंतु भक्ति अवस्थित सॉरी किंतु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतया कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास नहीं प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास ना किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाया भक्ति लता बीज। भक्ति योग का बीज गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्य है। केवल भक्ति योग के अभ्यास से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रेमांजन सुरित भक्ति विलोचना विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को कर्म ज्ञान या योग जैसी अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य भक्ति योग का अनुशीलन गुरु के निर्देशन में कर सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तब
तब भक्त भगवान को इस जगत में भी देख सकता है, यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भक्तिया माम भी जानन्ति यावान यष्टमि तत्वतः, तथा श्रीमद् भागवत में भी में भक्तया हमें कया ग्राह्य हुई है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि अभक्तों को वे ना तो दिखते हैं ना ही उनकी समझ में आते हैं। इस श्लोक में भक्ति योग के अनुशीलन की तुलना कई भौतिक कार्यकलापों से की गई है। काष्ठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है, धरती को खोदने से अन्न तथा जल मिल सकता है, और गाय को थन को धोने से अमृत तुल्य दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है, जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, किंतु दूध आयु की अवधि को बढ़ा सकता है। आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अतः वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध ना पीने के कारण उनकी आयु घट जाती है। इस कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु का वध करके उसका मांस खाना अधिक अच्छा मानते हैं। भगवत गीता में दिए गए उपदेशों में भगवान गौरक्षा का उपदेश देते हैं। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनाने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पर्याप्त दूध पिए, इससे उसकी आयु बढ़ सकती है, मस्तिष्क विकसित हो सकता है, वह भक्ति कर सकेगा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना आवश्यक है, उसी प्रकार गायों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके थनों से अमृत तुल्य दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यमों में प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु वे उस भक्ति को करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्यवश जैसा कि कहा गया है, नते विदुह स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया ये बहिर्थ बहिर्थ मानिना। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। जीवन के इस उद्देश्य को भुलाकर वे निराशा तथा हताशा में कठोर श्रम करते रहते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सह, तथा कथित वैश्य लोग उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक उद्यमों में लगे रहते हैं, किंतु वे अन्न तथा दूध में कोई रुचि नहीं रखते। किंतु जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, मरुस्थल में भी धरती खोदकर जल प्राप्त करके अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करते हैं तो गायों को संरक्षण प्राप्त हो सकता है और इन गायों से प्रचुर दूध मिल सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न और तरकारी के साथ मिलाकर हम सैकड़ों अमृतमय व्यंजन प्राप्त कर सकते हैं। हम इन व्यंजनों को खा सकते हैं और औद्योगिक उद्यमों से तथा बेकारी से बच सकते हैं। कृषि तथा गौरक्षा निष्पाप होने के कारण साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरुक्त नहीं होते, जैसा कि भगवद गीता 7.2 में कहा गया है, ये शाम तत्त्वंगतम पापम जानाना पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोहा निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी अल्पायु अभागे तथा विशुद्ध हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्यूप द्रताः, जिनके लिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, हरे नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तव्य 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 गरिन गतिर निथा। इस कला तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जाप है। इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बहुत लंबा तात्पर्य हो गया आपके लिए, बहुत अच्छा पढ़ा आपने।
ये एक चीज इसमें प्रभुपाद ने लिखी है कि अगर पुण्य पिछले जन्म में हमने हमारे कर्म ऐसे न रहे हों कि हमको ये भक्ति मार्ग पर लगे, तो आप भक्ति कभी कर ही नहीं सकते हैं। ऊपर आपने पढ़ा था एक सेंटेंस, भक्ति वो कर ही नहीं सकता जिसके पिछले जन्म में ऐसे कर्म ना हो। इसका मतलब अगर पिछले जन्म में भक्ति कर रहा था, छूट गया, तो मनुष्य रूप तो मिलेगा, भक्ति भी करेगा वो, उसके संस्कार है ऐसे पिछले जन्म के। और नहीं कर सकते, नहीं। लेकिन लिखा है, क्या लिखा, कि अगर गुरु और कृष्ण प्रसाद आपको मिल जाए, कृष्ण तो तब मिलेंगे, पहले गुरु मिले, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल गया, आपके लिए कोई आपको ले जाता है, किसी तरह आपको कोई प्रवचन हो रहा हो वहां ले जाता है, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसको ज्वाइन कर ले करने लगे, तो ये बात आपके साथ एक साधन बन जाता है वहां जाने का। आपको अच्छा लगा क्योंकि आपको वो गुरु है, लेकिन जिसने आपको ले गए वो भी आपके लिए गुरु की तरह है, क्योंकि वो ले गया आपको वहां जहां आपका मन जम गया। प्रभुपाद को ऐसे ही उनका एक दोस्त ले गया था। प्रभुपाद बचपन से भक्ति जानते थे कि एक हद तक, क्योंकि उनके पिताजी भगवान के भक्त जरूर थे, माँ बाप दोनों, तो बचपन से ही पैदा होते ही भक्ति में वो उनको अभ्यास हो गया। लेकिन फिर कॉलेज गए, कॉलेज जाने के बाद उनका होता है, हर एक व्यक्ति का थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज होती, कॉलेज में मिले लड़कों को, मिले लड़कियों को मिले, और वहां वातावरण बिल्कुल फर्क है, वहां भक्ति का वातावरण थोड़े होता। तो उस समय प्रभुपाद का एक मित्र था जो जो भी साधुओं को मिलने का उसको आनंद आता था, वो प्रभुपाद को बोला कि चलो एक बहुत महान भक्त आए हैं, भगवान के एक बहुत साधु आए हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमारे घर में बहुत साधु आते हैं, मैंने बहुत देख रखे हैं, मेरा मन नहीं आने का। वो ले गया, प्रभुपाद गुस्सा भी हुए उससे कि जोर क्यों कर रहे हो। फिर उसने कहा तुम एक बार चलो तो सही, गए क्योंकि संस्कार थे, सुना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, उन्होंने देखा ये लड़का जवान है, और उनको कुछ बोला भी, अब मैं वो पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, तो हो गया, मन में बैठ गए उनके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा अरे ये कितना विद्वान है, इनको तो जो चीज मुझे समझ नहीं आती थी वो भी इन्होंने मुझे समझा दिया, ऐसा किया, बैठ गई बात, और इतना महान कार्य कर गए प्रभुपाद बाद में, क्योंकि गुरु से जुड़ गए बाद में। तो ये चीज है, गुरु मिल गया कोई। मैं तो प्रभुपाद के उस दोस्त की को सम्मान करता हूं जो, जबकि मन नहीं था उनका, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत भक्त हमारे घर में आते रहते हैं, लेकिन एक भक्त, वो भक्त जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो अद्भुत ही अलग होती है, उससे आप मिलते हैं, उसके मुंह से अमृत निकलता है, वो भगवान के अलावा फालतू बातें नहीं करते हैं, तो वो जम जाता है। तो ये अगर मेरे पूर्व जन्म में मेरे संस्कार नहीं थे, मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, इस जन्म में मैं पैदा हुआ और मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने मुझे भक्ति के मार्ग में बताया, शुरू में जब आप, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, हमको तो वही अच्छा लगता है, पैसा कमाओ, खाना खाओ और मस्ती करो, ये प्रवृत्ति होती है भौतिक जगत में, ये क्योंकि भौतिक जगत में यही है, भगवान ने कैसे रहेंगे यहाँ खुश, ये माया डाल दी, रहो इसमें, वो उसमें तकलीफ भी है, वो भी अच्छा ही लगता है। उससे अगर कोई कहे ये यहाँ एक गेट है, यहाँ से बैकुंठ जा सकते हो, वो कहेगा नहीं अभी तो मेरे बहुत सारे काम है। ऐसे हम जुड़े हैं क्योंकि माया से, भगवान ने ये माया नहीं देते। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं ये ऐसे क्यों भगवान ने दिया, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्यों दिया हमको इधर, जिससे हम लपेटे गए हैं,
क्योंकि हम भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, इन गुणों के अलावा आप नहीं रह सकते। भौतिक जगत क्रियाशील है तीन गुणों के वजह से, भौतिक जगत की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप भक्ति करते हैं, आप दिव्य जगत की बात सोचते हैं, तो वहां पर ये नहीं चाहिए। अब आपको समझ आता है, अरे मैं तो गलत फंस गया यहाँ, अब मुझे निकलना चाहिए। निकलने का मार्ग ये बताते हैं, ये ग्रंथ बताते हैं, गुरु बताते हैं। ये बहुत अच्छा प्रभुपाद ने लिखा कि उसके बगैर नहीं, लेकिन अगर गुरु और कृष्ण प्रसाद, बिना गुरु कृष्ण, बिना गुरु और कृष्ण के प्रसाद भक्ति लता बीज नहीं पा सकते। तम त्वाम वयम नाद समुज्जिहानम सरोज नाभ अति चिर ईप्सित अर्थम दृष्ट्वा गता निर्वृत्तम अद्य सर्वे गजा दव आर्ता इव सांगम अम्बः। मेरे साथ, तम त्वाम वयम नाद समुज्जिहानम, तम त्वाम वयम नाद समुज्जिहानम सरोज नाभ अति चिर ईप्सित अर्थम दृष्ट्वा गता निवृत्तम अद्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांग गांग गांगम अम्बः। तम हे भगवान, तम आपको वयम हम सभी नाथ हे स्वामी समुज्जिहानम अपनी समस्त महिमा के साथ अब हमारे प्रकट होने वाले सरोज नाग कमल फूल के समान नाभि वाले भगवान अथवा जिनकी नाभि से कमल निकलता है अति चिर दीर्घ काल तक ईप्सित चाहते हुए अर्थम जीवन के चरम लक्ष्य के लिए दृष्टवा देकर गता अपनी दृष्टि के अंतर्गत निर्वितम दिव्य सुख अद्य आज सर्वे हम सभी गजा हाथी दव अर्ता जंगल की अग्नि से पीड़ित इव सदृश गांगम अम्बह गंगा के जल से। मेरे साथ पढ़िए, जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी, जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हे प्रभु, इसी प्रकार हे प्रभु, कमलनाम प्रभु, कमलनाम प्रभु, क्योंकि आप हमारे समक्ष अप्रकट हुए हैं, क्योंकि आप हमारे समक्ष अप्रकट हुए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दर्शन की, हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन, अतएव आपका दर्शन, आपका दर्शन पाकर पाकर हमने अपने जीवन के, हमने अपने जीवन के, अपने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है, वही चरम लक्ष्य है भगवत दर्शन। तात्पर्य, हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, श्री प्रभुपाद द्वारा भगवत भक्त भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए सदैव अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कभी यह मांग पेश नहीं करते कि भगवान उनके समक्ष आए, क्योंकि भक्त ऐसी मांग को भक्ति के विरुद्ध मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में यही पाठ पढ़ाया है, आदर्श नान मन हतम करोतु। भक्त भगवान का साक्षात्कार करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, किंतु यही यदि जन्म जन्मांतर तक भगवान के दर्शन न होने से उसका हृदय टूट भी जाए तो भी वह भगवान से प्रकट होने की मांग नहीं कभी नहीं करेगा। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। अतएव इस श्लोक में अति चीर इप्सित अर्थम शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि भक्त भगवान का दर्शन पाने के लिए दीर्घ समय से आकांक्षा करता रहता है। यदि भगवान स्वेच्छा से भक्ति के समक्ष
समक्ष प्रकट होते हैं भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो वह अत्यंत सुख का अनुभव करता है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने पर किया था। जब ध्रुव महाराज ने भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई, वे भगवान को देखकर ही इतने तुष्ट हो गए कि भगवान को देखा तो उन्हें कोई वर मांगने की इच्छा नहीं हुई, भगवान को देखकर इतने तुष्ट हो गए थे कि उन्हें भगवान से कोई वर मांगना नहीं चाहा। स्वामिनी कृतार्थोऽस्मिन् वरम न याचे। शुद्ध भक्त चाहे भगवान का दर्शन कर सके या नहीं, वह सदैव इस आशा में भगवान की सेवा भक्ति करता है कि कभी न कभी वे उस पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे उसे उसका सच्चा दर्शन हो सकेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इतने तकलीफ में रह के भी प्रहलाद महाराज ने कभी नहीं मांगा। देखिए, हाथी का पैर आपके सिर के ऊपर आ रहा है, छोटा बच्चा 5-6 साल का। एक बहुत जहरीला सांप आपके ऊपर फेंक दिया, पहाड़ के ऊपर से गिरा दिया, प्रहलाद महाराज ने ये नहीं कहा भगवान ये बचा लो। बड़े बड़े उपदेश देते थे अपने इस उम्र में भी प्रहलाद महाराज, लेकिन कभी नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि भगवान का शुद्ध भक्त कभी नहीं मांगता, और भगवान भी अपने भक्त को ऐसे नहीं छोड़ते हैं। प्रहलाद महाराज को कुछ होने नहीं दिया भगवान ने, इतना महान कार्य करते गए प्रहलाद महाराज। ये श्लोक और कर लेते हैं। सत्वं विदत्स्व अखिल लोकपाला वयं यद् अर्थाः तव पादमूलं समागताः ते बहिरन्तरात्मन् आत्मन् किं किं वान विज्ञाप्यम् अशेष साक्षिणः। मेरे साथ पढ़िए। सत्वं विदत्स्व अखिल लोकपाला वयं यद् अर्थाः तव पादमूलम् समागताः ते बहिरन्तरात्मन् किं वा अन्य विज्ञापम् अशेष साक्षिणः। शब्दार्थ है सह वह त्वम आप विधस्त्व, कृपया जो आवश्यक हो करें। अखिल लोकपाला देवता, इस ब्रह्मांड के विभिन्न विभागों के निर्देशक, वयम हम सभी, यत जो अर्था प्रयोजन, तब आपके पादमूलम चमर का चरण कमलों पर समागता आए हैं। ते आपको बहि अंतः आत्मन, हे सबके परमात्मा, हे बाह्य तथा अंत के सतत साक्षी, किम क्या वा अथवा अन्य विज्ञापन आपको सूचित करते हैं अशेष साक्षिण, हर वस्तु के साक्षी तथा ज्ञाता। मेरे साथ पढ़े। हे भगवान, हे भगवान, हम विविध देवता, हम विविध देवता, इस ब्रह्मांड के निर्देशक, इस ब्रह्मांड के निर्देशक, आपके चरण कमलों के निकट आए हैं, आपके चरण कमलों के निकट आए हैं, जिस प्रयोजन से हम आए हैं, जिस प्रयोजन से हम आए हैं, कृपया उसे पूरा करें, कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से, आप भीतर तथा बाहर से, हर वस्तु के साक्षी हैं, हर वस्तु के साक्षी हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है, अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। क्योंकि देवता लोग को असुरों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, तब देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान के पास लेकर के यह आराधना की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अनिता श्रीवास्तव माता जी।
तत्पर प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय हो। जैसा कि श्री भागवत गीता में 13.3 में कहा गया है, क्षेत्रज्ञम चापि मा विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः। व्यक्तिगत जीवात्मा अपने अपने शरीर के स्वामी हैं, किंतु पुर पुरुषोत्तम भगवान सभी शरीरों के स्वामी हैं, क्योंकि वे हर एक के शरीर के साक्षी हैं। अतः उनसे कुछ भी छिपा नहीं है, वे जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। अतः हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देश में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए उसकी पूर्ति भगवान श्री कृष्ण कृपा पूर्वक करेंगे। कृष्णा भावनामृत आंदोलन में हमें भगवान श्री कृष्ण तथा गुरु के आदेश में मात्र पूरा करना होता है, तब हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी आवश्यकताएं, हमारे हमारी न सारी मांगने पर इच्छाएं भी। हमारे न मांगने पर भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूरी हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम ज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुर्मीतमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।